उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता देश में सबसे निराली है। रामायण काल की बात हो या महाभारत काल की, एक से बढ़कर एक रोचक प्रसंग देवभूमि से जुड़े होते हैं। और इसी तरह पांडवों का भी उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है। चमोली के किरुली गांव में पिछले दिनों पांडव लीला का मंचन किया गया। और इस भव्य मंचन में हमारी पौराणिक विरासत के साथ साथ संस्कृति और रंगों की छटा देखने के लिए मिली। दरअसल महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को अपने पितरों के तर्पण के लिए गैंडे के सींग की जरूरत होती थी, लेकिन गैंडा आसानी से उपलब्ध नहीं होता। अर्जुन ने नागलोक में जाकर गैंडे का वध किया और तब जाकर गैंडे का सींग हासिल किया। किरोली की पांडव लीला में इसी प्रसंग को भव्य तरीके से दर्शाया गया। सबसे पहले पारंपरिक पांडव नृत्य के साथ पांडव नारायण श्री कृष्ण को आमंत्रित करते हैं। इस दौरान फुलारी माई के आगमन से इस समृद्ध संस्कृति के मंचन में चार चांद लग जाते हैं। इसके बाद अर्जुन को गैंडे के वध के लिए नागलोक जाना होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन हाथी पर सवार होकर पांडव चौक पहुंचते हैं। नागलोक में नाग अर्जुन के साथ अर्जुन का युद्ध होता है, जिसके बाद अर्जुन गैंडे का वध करके उसका सींग हासिल करते हैं। वहां मौजूद लोगों को आशीर्वाद देकर पांडव नदी में स्नान के लिए निकल जाते हैं। पांडव लीला के भव्य मंचन से लोक संस्कृति जीवंत हो उठी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शानदार मंचन के वक्त लोगों की इससे नजर नहीं हट पा रही है। इस दौरान दूर दराज से ध्यानियां अपने मायके आती हैं और एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछती हैं। पहाड़ों में लाइफस्टाइल जरा हटके है और ऐसे ही यहाँ के सम्मेलन और त्योहारों को भी जरा हटके ही मनाया जाता है। पारंपरिक गीतों और नृत्य के साथ यहाँ लोग खुद को रिफ्रेश रखते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और यही समृद्ध संस्कृति हमें सबसे अलग बनाती है। ये खूबसूरत तस्वीरें चमोली से संजय चौहान जी ने हम तक पहुंचाई हैं, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं।